प्रयागराज में यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा को एक ही पाली में कराने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों को पुलिस ने लाठी चार्ज कर खदेड़ा। बता दें, विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। 20,000 से ज्यादा युवा अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के सामने इकट्ठा है। उन्हें घेरने के लिए पुलिस, पीएससी, आरएएफ भारी मात्रा में तैनात है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। बता दें, वे पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा एक ही दिन में चाहते हैं। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने भाजपा को युवा विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने कहा, छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज बेहद निंदनीय। उन्होंने कहा, यूपी पीएससी में धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थियों की मांग बुलंद हुई तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक उठी। साथ ही उन्होंने कहा, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, हम युवाओं के साथ हैं। उन्होंने आगे लिखा, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा।